दोस्तों, ये आरसोस का 12th का संस्कृत का पेपर है जो हुआ था 26/4/2018 का। इस पेपर को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोड है 309 और आप देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर को मैं पढ़ूंगा नहीं, केवल आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाठस्य सारम आपको लिखते है इसमें, उसके बाद में गद्यांश पढ़ना है, और उसके बाद में गद्यांश पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है इसको आपको उचित मूत्रम चित्वा लिखत। तो इसके क ख ग घ चार पार्ट हैं। उसके बाद में चौथा है जो रेखांकित पद है, उसका प्रश्न निर्माण करना है क पार्ट में, और ख पार्ट में प्रश्नान उत्तर देने हैं आपको। पांचवे क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो कथन दिया है इसके बारे में पूछा गया है, और छठा क्वेश्चन है इसमें भी आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका ख पार्ट है, इसको भी पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आठवें क्वेश्चन में भी आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन में क्या पूछा गया था देखते हैं। गद्यांश स्तंभ जो है अ और ब को मिलान करना है। दसवें में हृदय परिवर्तनम इति नाटक से सारांश है, इसका लिखना है आपको, जो बिंदु दी गई हैं इनके हिसाब से। 11वें क्वेश्चन में इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका ख पार्ट में है, इसको भी पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं। 12वें में आपको पढ़ना है, फिर से उत्तर देना है, और 12वें का क और ख में भी सेम है, पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। आपके बाकी सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे संधि विच्छेद का। सत्रह क्वेश्चन में विभक्ति पूछा गया है आपको क पार्ट में, ख पार्ट में लकार का, और ग पार्ट में वाच्य परिवर्तन का। इसमें खाली स्थान आपको भरना है उचित विभक्ति से, और यहाँ पे क ख ग घ अंगत पांच पार्ट हैं इसके, यानी एक एक नंबर के पांच हैं। 19वें क्वेश्चन में आपको रेखांकित शब्द का जो है विग्रह लिखना है, और जो 20वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एकम वयम एकम उपसर्ग जो है वो बताना है। तो आशा करता हूँ इसमें, सॉरी, आपका ख पार्ट भी है, ख खंड भी है, इसमें वैकल्पिक जो आता है, इसमें 21वां क्वेश्चन भी है जिसमें आपको मिलान करना है, और जो 22वां क्वेश्चन है इसमें भी आपको उत्तर लिखने हैं, जो ये पावर दे रखी है इसको संस्कृत में लिखना है क्या हो सकते हैं। इसका ख पार्ट और ग पार्ट और घ पार्ट भी इसी तरह से हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको देखना है। 23वां क्वेश्चन जो है और 24वां क्वेश्चन आपके सामने हैं,
इसके बाद में सेकंड वैकल्पिक जो है इसमें देखना है वैकल्पिक में क्या आया है। वैकल्पिक में आया हुआ है आपका 21वें में संस्कृत भाषा निर्मित तस्य नाम किस्मित। 22वें में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 23वें में आपको और 24वें में भी आपको देख लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन पेपर को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 2019 का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए डायरेक्ट लिंक में चले जाइए, डायरेक्ट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।